जिस टॉपिक पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रेमेडियल चीज़ पे, कि बिल्कुल सिंपल तरीके से हम रेमेडी किसी के लिए क्या प्लान कर सकते हैं सिर्फ राशियों के बेस पे। देखिए, 12 राशियाँ ईश्वर ने हमें दी है और हर राशि के अंदर कोई ना कोई हमारा कोई प्लैनेट प्लेस्ड हो सकता है। किसी का फर्स्ट लॉर्ड हो सकता है, किसी का सेकंड लॉर्ड हो सकता है, किसी का धन का स्वामी, किसी का लाभ का स्वामी, किसी के पीड़ा हरने का स्वामी। तो हर जो राशि है वो हर राशि एक ना एक ज्योतिर्लिंग से जरूर जुड़ी है। तो आप जब उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करोगे या उस ज्योतिर्लिंग पर जाके आप अपना पूजा आराधना करोगे, तो आपकी वो राशि जिस भाव आपकी कुंडली के अंदर, जिस भाव के अंदर पड़ रही है, वो जागृत हो जाएगी। जागृत मतलब कि उस राशि का मतलब क्या है, राशि का मतलब है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब कि उस तरीके का जो माहौल जो राशि देती है। अब हर ज्योतिर्लिंग की अपनी अपनी एक एनर्जी है। ये मतलब मैं अपनी इसके अंदर मैं अपनी भाव को शेयर कर रहा हूँ। और सावन का महीना है मतलब, हाँ, और महीना भी सावन का है और आज हम जा भी रहे हैं सोमवार के दिन। तो हर राशि जो है ना वो अपना एक माहौल होता है उसका, जो अपने ग्रह को वो देती है। और हर ज्योतिर्लिंग का अपनी एक एनर्जी है। मतलब जो पुराने जो ऋषि मुनि हमारे रहे हैं, जो पुराने जो हमारे एंसेस्टर रहे हैं, जिन्होंने इतनी इंट्यूशन के साथ वो जगह पे वो ज्योतिर्लिंग स्थापित किया, तो वो जो राशि है वो बिल्कुल उस ज्योतिर्लिंग की एनर्जी के साथ सिंक होती है। अब मिसाल के तौर पे जो एक नंबर राशि है, मेष राशि है, वो रामेश्वरम को सिग्निफाई करती है। रामेश्वरम जो ज्योतिर्लिंग है, वाई भगवान श्री राम को हम सूर्य प्लैनेट से लेते हैं, सूर्यवंशी, सूर्यवंशी श्री राम। और मेष राशि के अंदर कौन सा प्लैनेट है जो उच्च का होता है? सूर्य, सूर्य। तो रामेश्वरम को एरीज राशि सिग्निफाई करती है। अगर आपके एरीज राशि लाभ भाव में पड़ रही है, लाभ भाव, और वहां पे यानी कि अगर लाभ भाव के अंदर एरीज जो है वो राशि आएगी, तो आपको कौन सा लग्न बना? मिथुन। आपका मिथुन लग्न बना। मान लेते हैं वहां पे आपका 10th लॉर्ड है। अब 10th लॉर्ड कौन है मिथुन लग्न में? जुपिटर। जुपिटर आपके एरीज में है। अब वो 10th लॉर्ड भी है और 7th लॉर्ड भी है। अगर हम 10th हाउस की बात करें तो वो 10th हाउस आपके कर्मों का है, आपके प्रोफेशन का है, आपके डे टू डे कर्मास का है, आपके आपके फेम का है, आपकी डिग्निटी का है। तो अगर ये व्यक्ति रामेश्वरम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की शरण में जाता है, तो उसका 11th भाव जो है वो एक्टिवेट होगा। अब 11th भाव के अंदर कौन सा प्लैनेट है? वो है 10th लॉर्ड। वो किसको एक्टिवेट करेगा, यानी कि वो किस चीज की आपको वो सिग्निफाई, किस चीज को वो एक्टिवेट करेगा, वो आपके 10th हाउस को जो है वो पॉजिटिवली एक तरीके से चलाएगा। तो अगर आपको प्रोफेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और आपका मिथुन लग्न है और वो कहाँ बैठा है? 10th लॉर्ड एरीज में बैठा है, तो आपको रामेश्वरम की शरण में जाना चाहिए। ठीक इसी तरीके से जो टॉरस है उसमें कौन सा प्लैनेट उच्च का होता है? चंद्रमा उसमें प्लैनेट जो है वो उच्च का हो रहा है। तो चंद्रमा को कौन सा ज्योतिर्लिंग जो है वो सिग्निफाई कर रहा है? सोमनाथ चंद्रमा अपने आप। तो अगर आपके टॉरस के अंदर कोई ना कोई प्लैनेट जो है वो प्लेस्ड है, किसी ना किसी हाउस में है। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी टॉरस जो राशि पड़ती है वो 8th हाउस में है, तो आपका लग्न क्या हुआ? आपका लग्न हुआ तुला। तो तुला लग्न के 8th हाउस के अंदर कौन है? 7th लॉर्ड है, मार्स है। हम एक हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम किसी का चार्ट नहीं ले रहे, सिर्फ मैं आपको सूत्र दे रहा हूँ कि अभी आप इस तरीके से चीजों को जो है वो रेमेडी बना सकते हैं उस चीज के लिए, एक आध्यात्मिक सोल पर्पज की रेमेडी। क्योंकि तीन तरह की रेमेडीज होती है, एक जो बॉडी लेवल पे काम करे, एक माइंड लेवल पे काम करे, और एक जो सोल लेवल पे काम करे। हम
जिस रेमेडीज की बात कर रहे हैं ये सोल लेवल की रेमेडीज है, आत्मा के स्तर पे। तो एट्थ हाउस के अंदर कौन सा राशि आई तुलावेदन में? दो नंबर आई। दो नंबर को कौन सी रिवाइव कर रहा है? सोमनाथ। वहां कौन बैठा है? सेवंथ लॉर्ड बैठा है। तो सेवंथ लॉर्ड का एट्थ हाउस में जाना क्या दिखाता है? प्रॉब्लम्स टू मैरिज, प्रॉब्लम्स टू हस्बैंड रिलेटेड, पार्टनर रिलेटेड, या प्रॉब्लम्स टू बिजनेस, डेली डेली इंटरेक्शन आपके क्लाइंट्स का, जो भी जितने भी जो चीज है साउथ साउथ हाउस के अंदर आ रही है, साउथ के एरिया में, सॉरी सेवंथ हाउस के अंदर आ रही है। अब अगर इस व्यक्ति को उस अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू आ रहा है, तो ये व्यक्ति सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकता है, उनकी शरण में जा सकता है। क्यों? क्योंकि सोमनाथ का राशि कौन? दो नंबर। कहाँ पड़ रही है? प्रॉब्लम के हाउस में। तो वो उसकी पीड़ा को हरेगा, तो वो उसकी पीड़ा को हरेगा। ठीक ऐसे ही अगर उस इंसान के सेम लगन में सेम जो है वो सिक्स लॉर्ड एट्थ में बैठा है, सिक्स लॉर्ड एट्थ में बैठा है। सिक्स लॉर्ड कौन बना तुला राशि में? जुपिटर। 12 नंबर राशि सिक्स हाउस में आई। वो कहाँ चला गया? वो एट्थ हाउस में चला गया। तो उस इंसान को प्रॉब्लम्स किस वजह से होंगी? बीमारी की वजह से, अपने एम्प्लॉयज की वजह से, या आने वाली इनकम की वजह से, या सिक्स हाउस के जितने भी हम ट्रेड्स बोलते हैं, अगर उसको बीमारी की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उसका सिक्स लॉर्ड एट्थ में है, तो इस इंसान को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है उनकी शरण में जाना चाहिए। सिंपल फॉर्मूला। अब आ जाते हैं तीन नंबर राशि में। अब तीन नंबर जो राशि है वो कौन से ज्योतिर्लिंग को सिग्निफाई करती है? सबसे पहले ये देखो कि वहां उच्च का कौन हो रहा है। तीन नंबर में उच्च का राहु बोलते हैं, राहु बोला जाता है। राहु है, राहु की राशि। तो राहु क्या है? राहु एक अपने आप में सर्प है, नाग है, नाग है, नाग का मुंह है। तो कौन सा ज्योतिर्लिंग जो है वो कितना अच्छा यहाँ से व्यू आ रहा है ना, प्लॉट। हाँ, कि जो राहु का जो एक तरीके से सिग्निफिकेशन है वो सर्प की है, सांप के मुंह की है। तो तीन नंबर राशि को जो ज्योतिर्लिंग जो है वो सिग्निफाई कर रहा है वो है नागेश्वर। नागेश्वर मान लेते हैं किसी का जो तीन नंबर राशि जो है वो ट्वेल्थ हाउस में पड़ रही है, जैसे आपके कर्क लगन, कर्क लगन में तीन नंबर राशि आएगी ट्वेल्थ हाउस में। वहां कौन विराजमान है? वहां राहु विराजमान है। राहु क्या कर रहा है? राहु ट्वेल्थ हाउस में बैठ के कोई ना कोई प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है, वो आपको एनिमी से कोई ना कोई खतरा दे रहा है ना, जो आपके छुपे हुए आपके शत्रु हैं उन चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, नींद की प्रॉब्लम आ रही है ना। राहु उस चीज को खराब करेगा ट्वेल्थ हाउस को। तो यह इंसान नागेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उनकी शरण में जा सकते हैं। अब आ जाते हैं चार नंबर पे, कर्क राशि। कर्क राशि जो है क्या राशि है? वो राशि है जल तत्व की और चर राशि है। कौन सा प्लेनेट यहाँ पे उच्च का हो रहा है चर राशि में? बृहस्पति, गुरुदेव। गुरुदेव मान लेते हैं किसी का चार नंबर राशि जो है वो नाइन्थ हाउस में पड़ रही है। मैं हर राशि को ना रैंडमली किसी भी हाउस में डाल के बता रहा हूँ ताकि आपको जो है ना वो चीजों को याद करने की जरूरत ना पड़े, आपके पास एक फंडा क्लियर हो कि भाई ये जो है वो सूत्र है। क्योंकि हम घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सूत्र की बात करेंगे। अब ये नहीं कहेंगे भाई ये हमारा सूत्र हम किसी को ना दें, ठीक है? किसी पे ज्योतिष पे किसी का हक तो नहीं है, ऋषि मुनि ने हमारे लिए बनाया। तो चार नंबर राशि किसी के नाइन्थ हाउस में पड़ रही है। नाइन्थ हाउस किस चीज़ का है? गाइडेंस का है, आपके गुरु का है, लंबी यात्रा का है, लंबी यात्रा का है। कौन सा प्लैनेट वाउच का होता है चार नंबर में? जुपिटर। जुपिटर अपने आप में किस चीज़ का तारक है? गुरु का, लक का, भाग्य का, गाइडेंस का। और नाइन्थ हाउस में किस चीज़ का था? गुरु का, लक का, भाग्य का, गाइडेंस का, हमारे इंसेस्टर्स का, हमारे इंसेस्टर्स का। सही समय पे मिलने वाला एक तरीके से गाइडेंस कह लो या कुछ भी कह लो वो है। तो ओमकारेश्वर जो है, ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो सिग्निफाई करता है चार नंबर राशि को, कर्क राशि को। अब कर्क राशि आपकी पड़ रही है कहाँ पे? नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस में कौन बैठा है? नाइन्थ हाउस में बैठा है आपका सेकेंड लॉर्ड बैठा है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड लॉर्ड बैठा है,
अच्छा सेकंड लॉर्ड जिसकी बात कर रहे हैं, 4, 8, 12, 4, 8, 12 मतलब वो त्रिकोण बन गई उसकी, 8 नंबर लग्ना में मोक्ष त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण पर नहीं नहीं सर राशि की बात, 4, 8, 12, 1, 5, 9 की त्रिकोण बन गई ना। तो सेकंड लॉर्ड कौन बना? स्कॉर्पियो लग्न में जुपिटर। जुपिटर कहाँ बैठ गया? 9th हाउस में। किस चीज का हाउस? गाइडेंस का हाउस। अगर ये इंसान जो है वो ओंकारेश्वर शिवलिंग के दर्शन करता है तो इस इंसान को पैसों से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई गाइडेंस, कहाँ से वो पैसा जनरेट करे, कहाँ से वो रिसोर्सेज अपने जुटाए, उसकी गाइडेंस इसको वहां से मिलेगी। अगर कुछ ना कुछ इस पर कृपा ऐसी होगी कि इसको सेकेंड हाउस से रिलेटेड गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि सेकेंड हाउस किस चीज का? आपकी वेल्थ का, आपके बैंक अकाउंट का, आपकी फैमिली का, ठीक है, आपके आपके एसेट्स का, रिसोर्सेज कह लो, एसेट्स कह लो, वो चीजें जिनको आप यूटिलाइज करके, मतलब जो चीज यूटिलाइजेशन में आती है वो चीज, वो आपके एसेट्स हो गए। कहाँ बैठ गया? 9th हाउस में। 9th हाउस में कौन सी राशि? कर्क राशि। कौन सा ज्योतिर्लिंग? ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर शिवलिंग के आप अगर उपासना करते हैं तो आपको पैसों से रिलेटेड गाइडेंस मिलने की पूरी पूरी रेमेडी आपकी हो जाएगी। आ जाते हैं 5 नंबर पे। अब 5 नंबर में कोई प्लैनेट उच्च का नहीं होता है, लेकिन वो 5 नंबर जो राशि है वो अपने आप में सूर्य की राशि है, और 5 नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है वो है वैद्यनाथ। वैद्यनाथ। अब मान लेते हैं आप सिंह लग्न के व्यक्ति हो, आपका लग्न लॉर्ड कौन बना? सूर्य। लग्न में ही बैठा है लग्न लॉर्ड, लग्न में ही बैठा है, तो एक हाँ मतलब एक तरीके से वो पावरफुल अप्रोच में बैठा है ना, पावरफुल अपने एक स्थान पे बैठा है। और लगन किस चीज का कारक है? लगन कारक है अपने हेल्थ का, और लगन लॉर्ड का लगन लगन में ही बैठना एक तरीके से अच्छी हेल्थ को डिनोट करता है। लेकिन जो हेल्थ है वो क्या सारी जिंदगी एक जैसी रहती है किसी इंसान की? बिल्कुल भी नहीं, प्रॉब्लम जाती है। तो जब भी इसको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो ये इंसान जो है वो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ जाके जो है अपनी पूजा कर सकता है, वहाँ जाके अपना दान करे, जो भी रेमेडीज करनी है। तो यानी कि जो ज्योतिर्लिंग है ना वहाँ की जो एनर्जीज हैं, कोई भी एक ज्योतिर्लिंग है ना उसकी एनर्जीज को ऋषि मुनियों ने उस राशियों से कंपेयर इसलिए किया है क्योंकि जो राशि की अपनी एक इन्वायरमेंट है, अपनी राशि की जो एनर्जी है वो ज्योतिर्लिंग के साथ सिंक हो रही है। हर शिवलिंग की अपनी एक एनर्जी एमिट करता है, जिस तरीके से कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट करता है, वो एनर्जी बिल्कुल उसी फ्रीक्वेंसी की है जिस फ्रीक्वेंसी का वो ज्योतिर्लिंग है, जिस फ्रीक्वेंसी की वो राशि है, क्योंकि 12 राशियां हैं, 12 ही ज्योतिर्लिंग है, 12 ही राशि है। अब ठीक ऐसे जो 6 नंबर राशि है कन्या राशि, उसका जो ज्योतिर्लिंग है वो है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कौन उच्च का हो रहा है? बुध उच्च का हो। अब फॉर एग्जाम्पल किसी का जो 6 नंबर राशि है वो कहाँ है? वो 11th हाउस में पड़ रही है। अगेन स्कॉर्पियो लगना, स्कॉर्पियो लगने की काफी बात हो रही है, अभी इसके बाद स्कॉर्पियो की भी बारी आएगी। तो स्कॉर्पियो लगन में 11th हाउस में कौन सी राशि पड़ी? 11th हाउस में राशि पड़ी 6 नंबर। कौन सा भाव है वो, किस चीज का लाभ है? लाभ का। मान लेते हैं स्कॉर्पियो लगना में 11th हाउस में कौन विराजमान है? 4th लॉर्ड बैठा है। फोर्थ लॉर्ड कौन बना स्कॉर्पियो लगना में? सैटर्न। शनि बना। शनि कहाँ चला गया? 11th हाउस में चला गया। अब एक तरफ तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्थ लॉर्ड है वो अपने स्थान से 8th चला गया, भाई 4th लॉर्ड का 11th में जाना अच्छा है, लेकिन वो अपने से 8वें भाव में तो गया है, तो क्या ये प्रॉब्लम देगा? प्रॉब्लम भी देगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि अगर इस इंसान को प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट करना है, वो चाहता है कि मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद लूँ, कोई फ्लैट लूँ, कोई घर लूँ, कोई लैंड लूँ, उसको कोई प्रॉब्लम अड़चन आ रही क्योंकि अपने से 8th गया है। 8th किस चीज़ का हाउस है? प्रॉब्लम देने का हाउस है, लेकिन कुछ रुकावटें देने का हाउस है। वो कुंडली से रिलेटेड कौन सा हाउस है? वो 11th हाउस है। तो यानी कि प्रॉपर्टी का लाभ वो तब देगा जब ये इंसान जो है वो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है आराधना करेगा, वो उसके लिए रेमेडी का काम करेगी। तो ये व्यक्ति अगर मल्लिकार्जुन जाता है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां जाके अपनी भगवान को जाके बोला है, मतलब
पाठ पूजा की नहीं है, उनको जाके मिलके अपना सच्चे मन से सच्चे भाव से मांगने के लिए ना जाए। अरे मांगना ही होगा जी, तो एक ऐसी क्यों है भाई तुझे जो सही लगता है तू कर जा। तुम्हारे अब वो बोलते क्या बोलते हैं कि तेरा तुझको अर्पण याद आगे मेरा उसी को दे दी भाई। ये जो चीज़ है ना, अब जो इस डोमेन से रिलेटेड मुझे जो इशू आ रहे हैं, आप देखो अगर मेरे लिए वो होना अच्छा है तो कल हो जाए, और अगर मेरे लिए वो नहीं होना अच्छा तो अगले भी मेरे ढंग से दूर हो जाए। यानी कि उसको तुमने सरेंडर कर दिया। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 11th में गया स्कॉर्पियो, वो इंसान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में गया अपने, उसने आराधना की और करके आया, उसका काम 100% ईश्वर का दिया हुआ उसी को ऐसा कर लेना 100% सक्सेसफुल उसका काम होगा। अब आ जाते हैं 7 नंबर पे, तुला राशि में। अब तुला राशि कौन सा ग्रह जो है वो उच्च का हो रहा है, यहाँ पर शनि उच्च के हो, शनि उच्च के हो जाते हैं। शनि किस चीज का कारक है, काल का, शनि काल का, मौत भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल, बिल्कुल महाकालेश्वर उज्जैन। तो 7 नंबर राशि जो है वो महाकालेश्वर को सिग्निफाई कर रही है। अब फॉर एग्जांपल किसी की 7 नंबर जो तुला राशि है वो कहाँ आ रही है, वो आ रही है 8th हाउस में, द हाउस ऑफ लॉन्जिविटी, द हाउस ऑफ योर एज। तो कौन सा लगन बना, 12 नंबर लगन, 12 नंबर लगन में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मुझे नहीं मालूम किसी का है या नहीं, हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं सूत्र की। तो 7 नंबर जो राशि है वो 8th हाउस में पड़ रही है किसी की लॉन्जिविटी के भाव में, और अपने आप में सैटर्न किस चीज का कारक है, लॉन्जिविटी का कारक है, काल का कारक है। तो ये इंसान को अगर भय लग रहा है मृत्यु का, हम क्या कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र का आप जप करवाइए, और अगर ये सिचुएशन है तो कहो उसको आज ही उज्जैन की टिकट कटवा ले महाकालेश्वर, वहां की वो अपनी आरती देखे, ईश्वर को जो है वो वहां पे जाके सरेंडर कर दे महाकालेश्वर ने, और भस्म आरती सैटर्न दर्शन कर, उसके दर्शन कर, उसकी लॉन्जिविटी पे जो है ना वो ईश्वर जो है ब्लेसिंग करेगी। या 8th हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें आती है, क्योंकि 7 नंबर राशि किस चीज कहाँ पड़ रही है, 8th हाउस में पड़ रही है, वहां उसको ठीक करेगा। 8 नंबर में आता है धूम कालेश्वर, वृश्चिक राशि केतु जी बोलेंगे। अच्छा, केतु की हम बात कर लेते हैं, मान लेते हैं 8 नंबर राशि आ रही है आपके 12th हाउस में आ रही है, तो 12th हाउस किस चीज का कारक है, मोक्ष का, और 8 नंबर राशि किसको सिग्निफाई करती है, केतु को, अपने आप में मोक्ष का कारक है। ठीक है, आपके 8 नंबर जो राशि वो 12th हाउस में पड़ रही है, तो 8 नंबर राशि कौन से ज्योतिर्लिंग है, धूम कालेश्वर। तो अगर उसको मुक्ति की आशा है आशा भी नहीं करनी चाहिए कभी मुक्ति की, तो जितनी भी हमारी पूजा पाठ है वो सब प्रलोभन पर खड़ी है, कुछ ना कुछ चाहिए, अगर किसी को चाहिए मुक्ति चाहिए तो भी चाहिए ही ना, वो उसी की भी तो मतलब एक तरह से इच्छा ही तो हो रही है। तो मुक्ति की भी इच्छा ना हो, मतलब जो परमेश्वर हमारे लिए किए करे, तो 8 नंबर राशि किसके कहाँ पड़ रही है, वो 12th हाउस में पड़ रही है, चलो धूम कालेश्वर। तो उनके लिए धूम कालेश्वर जो है वो ज्योतिर्लिंग वो ज्यादा बेनिफिशियल। अब आ जाते 9 नंबर, 9 नंबर है धनु, तो धनु राशि को जो सिग्निफाई करता है ग्रह जुपिटर, और कौन सा ज्योतिर्लिंग 9 नंबर को सिग्निफाई करता है, दैट इज काशी विश्वनाथ। अब 9 नंबर राशि अपने आप में फोकस का प्रतीक है, फोकस का, क्योंकि 9 नंबर राशि की अगर आप तस्वीर देखो तो एक धनुष दिखाया गया। तो धनुष जो धनुर्धारी होता है, आज भी जैसे एक मेडल आया हमारा शूटिंग में, क्या होता है वो फोकस होता है, आप किसी एक केंद्र पे, आप अपने लक्ष्य पे फोकस कर रहे हैं। अगर आपको आपकी जिंदगी के अंदर फोकस की कमी है,
किस चीज से रिलेटेड, आपका टेंथ लॉर्ड जो है वो किस में बैठा है, वो धनु राशि में बैठा है, किसी भी हाउस में बैठा है, चलो हाउस को एक बार हम छोड़ते हैं, आपका टेंथ लॉर्ड बैठा है नाइन्थ हाउस नौ नंबर राशि में, तो नौ नंबर राशि अपने आप में फोकस का कारक है। तो इस इंसान को काशी विश्वनाथ जाके अपना जो है रेमेडी करनी चाहिए, अपना पूजा पाठ वहाँ करना चाहिए, उससे क्या होगा उसको टेंथ लॉर्ड यानी कि प्रोफेशन से रिलेटेड उसके जिंदगी के अंदर जो फोकस है वो बढ़ेगा। मतलब अगर वो किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाया पूरी जिंदगी में, भाई ये लक्ष्य है मेरा, वो डिसाइड नहीं कर पाया, वहाँ जाके भगवान को जाके उनकी ड्यूटी बताए भाई आप देखो आपकी जिम्मेदारी है हम जा रहे हैं आपको देखे, कुछ ना कुछ उसकी ज़िंदगी के अंदर ट्रिगर ऐसा होगा कि उसकी ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो हो जाएगा, फोकस उसका बढ़ जाएगा। अब आ जाते हैं दस नंबर राशि मकर। मकर राशि कौन उचका हो रहा है मकर राशि में, मंगल उचका। तो भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर वो दस नंबर राशि का प्रतीक है, प्रतीक सिंबल, वाय सिंबल, क्योंकि भीमा शंकर की जो एनर्जी है वो कहाँ अलाइन हो रही है, वो दस नंबर राशि के अंदर अलाइन हो रही है। तो मंगल अपने आप में क्या देता है आपको, ऊर्जा, किसी चीज को इनिशिएटिव करने की एक मतलब उसको एक्ट पावर करने की, हाँ उसको एक्ट करने की, उस चीज पे शुरुआत करने की। जैसे लोग प्लानिंग करते रह रहे हैं, प्लानिंग तो बहुत कर ली पर वो नहीं हो रहा, एप्लीकेशन नहीं हो पा रही है, एक तरीके से आप इनिशिएट नहीं कर पा रहे हो उस चीज को। तो जिस जॉन सा लॉर्ड आपका दस नंबर राशि में प्लेस्ड है, अगर उस चीज से रिलेटेड आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, फॉर एग्जाम्पल आपका फिफ्थ लॉर्ड जो है वो दस नंबर राशि में है और आप कुछ पढ़ना चाहते हो, आप कुछ नया खोज करना चाहते हो, किसी चीज़ को प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, उसके लिए आप इनिशिएशन नहीं ले पा रहे, आपने बहुत सारी अपनी मेहनत कर ली, रिसर्च कर ली, सब कुछ कर लिया, तो भीमा शंकर आपकी मदद करेंगे, भीमा शंकर आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। अब आ जाते हैं 11 नंबर राशि पे। 11 नंबर राशि को जो ज्योतिर्लिंग जो है वो सिग्निफाई करता है वो है केदारनाथ। अब बहुत से लोग केदारनाथ जाते हैं, लेकिन हर इंसान के साथ जिंदगी में अलग अलग तरीके से जो इवेंट जो है वो पॉजिटिव होते हैं, किसी की हेल्थ अच्छी होगी, किसी को कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कोई काम करने की, किसी का कोई मनी जो मैटर होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा, किसी की रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, किसी को गुरु मिलेगा। तो आप ये देखिए कि 11 नंबर राशि में कौन सा लॉर्ड आपका वहाँ पे बैठा है, तो जो लॉर्ड वहाँ प्लेस्ड होगा उस चीज़ से रिलेटेड आपको जो है वो हेल्प मिलेगी। अब आ जाते हैं आखिरी 12 नंबर राशि में, जहाँ हम अब जा रहे हैं। तो 12 नंबर राशि जो है वहाँ शुक्र उच्च का होता है, शुक्र उच्च का, शुक्र के पास क्या है, शुक्र के पास मृत संजीवनी है। अगर किसी को हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसका लग्न लॉर्ड जो है वो 12 नंबर राशि में है, तो उसको कहाँ जाना चाहिए, महात्र्यंबकेश्वर, उसको जाना चाहिए त्र्यंबकेश्वर, क्योंकि वो शुक्र वहां पे प्लैनेट जो है वो उच्च का हो रहा है, और शुक्र का उच्च का होना वहां ये बताता है कि आपको हेल्थ से रिलेटेड, अगर आप पढ़ेंगे ना उससे रिलेटेड, वो ये कहते हैं कि अगर आपको कोई हेल्थ कोई मेजर इशू आ रहे हैं, जैसे किसी को शुगर है तो वो भी, किसी को स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, चलो सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ किसी को किसी हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका हाउस का लॉर्ड जो कहाँ बैठा है वो 12 नंबर राशि में बैठा है, मीन में बैठा है, तो उसको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए अच्छे हैं। अब बात यह नहीं है कि क्या उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, बात यह है कि अगर आपके कर्म आपको अलाउ कर रहे होंगे तो ये आपके लिए एक बूस्टर एनर्जी का काम करेगा। और जैसे हम बूस्टर किसी के लगा देते हैं वो क्या होता है, आस्था, हाँ आस्था, अगर आपने मतलब आस्था भी, अगर आपके कर्म अगर आपके कर्म आपके अलाउ करेंगे, वो जो बूस्टर मिलेगा, वो जो कैटलिस्ट मिलता है किसी भी रिएक्शन को बढ़ाने का, तो वो उनके रेमेडी करने उनके दर्शन करने वो चीज़ उसको बढ़ाने के लिए हेल्प करेगी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपके कौन सी राशि के अंदर कौन कौन सा लॉर्ड बैठा है, मतलब अगर आप पहले आप ये देखिए कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है,
वहाँ मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपका वो लॉर्ड कौन सी राशि में बैठा है और कौन से हाउस में बैठा है। हाउस, प्लैनेट एंड राशि तीनों को मिला के जब हम एक रेमेडी बनाते हैं ना, जैसे बॉडी माइंड एंड सोल को मिला के जब हम कुछ बनाते हैं तो वो परफेक्टली जिंदगी के अंदर काम करता है। ठीक है, तो बाकी की जो हम चर्चा है वो हम पहुँच के करेंगे, फिलहाल अभी के लिए इतना ही बहुत है। तब तक के लिए जय महाकाल, जय श्री राम, प्रणाम।